हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स दोस्त पे। स्टूडेंट चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और पास में एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा उस नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अब देखिए, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कूलॉम का नियम और कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे परावर्तितांक। देखिए, परावर्तितांक क्या होता है उससे पहले हम कुछ देख लेंगे थोड़ा सा। देखिए, हमने देखा था कोई भी दो आवेश जो कि हवा में स्थित है तो उनके मध्य जो बल था हमने देखा था क्या था, एफ के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये बल था। अब स्टूडेंट्स, यहां पर के क्या था, एक नियतांक था, नियतांक था, लेकिन इसका मान क्या होता था, माध्यम पर निर्भर करता था। यानी जो k का मान था वो किस पर डिपेंड करता था, माध्यम पर निर्भर। ठीक है, k का मान किस पर निर्भर करता था, माध्यम पर। यानी कि k का मान माध्यम के अनुसार परिवर्तित होता था। अब माध्यम क्या, जैसे हवा एक माध्यम है, निर्वात एक माध्यम है, पानी एक माध्यम है, कांच एक अलग माध्यम है, तेल ऑयल वो एक अलग है, तो इस तरह से अलग अलग माध्यम होते हैं इसमें। अब देखिए, इसकी वैल्यू हमने देखी थी हवा के अंदर कितनी थी, अगर देखे जाए तो k की वैल्यू थी 1/4π। अगर किसी माध्यम की बात करूं तो माध्यम के लिए आता है एप्सिलॉन, इसको हम लिखते हैं, देखिए पढ़ने के लिए हम कैसे बोलते हैं, एप्सिलॉन, इस तरह से। ठीक है, अच्छा एप्सिलॉन क्या है, ये है माध्यम की, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। अब बच्चों होती क्या है, ये सिंपल समझो, यह क्या है, यह माध्यम का गुण है जो कि आवेशों में, आवेशों के मध्य बल को कम करता है या घटाता है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, ये एप्सिलॉन है, ये हमारी एप्सिलॉन का मान है। अब समझना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, इस तरह हमें ना बोला, ये जो एप्सिलॉन है ये कम होता है, सबसे कम जो मिनिमम होता है वो किस में होता है, ये होता है हवा या निर्वात में। तो या हवा या निर्वात में इसकी जो विद्युतशीलता होती है उसकी होती है एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रखना, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट। और इसमें सबसे कम इसका मान होता है, यानी एप्सिलॉन का जो मान होता है सबसे कम किसमें होता है, हवा या निर्वात में। पर हवा और निर्वात के लिए रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे, एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 × 10^-12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको बोलेंगे क्या, निर्वात या हवा की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। अब एक चीज समझिए, देखिए हम एक यहां पे एक संबंध देखते हैं, एक रिलेशन देखते हैं, इस k की वैल्यू लिख दूं मैं यहां पर, तो 1/4π(q1q2)r2, ये फॉर्मूला बन गया हमारा, इसकी वैल्यू रख दी। तो अगर देखिए, अब अगर एप्सिलॉन इसके मान की वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी मान की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। सिंपल है ना, अगर इसकी मान की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मान क्या होगा, घटेगा। स्टूडेंट आपको ये बात ध्यान में रखनी है, अगर एक का मान बढ़ रहा है तो दूसरे का मान क्या होगा, घटेगा। अब अगर ऐसा हो रहा है तो आप एक चीज समझिए, इसका मान, एप्सिलॉन का मान ध्यान रखिए हवा निर्वात में सबसे कम होता है, तो जो एफ होगा वो हवा निर्वात में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कहां पर, हवा या निर्वात में जो बल होगा दो आवेशों के मध्य वो सबसे अधिक होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है, हवा या निर्वात में बल का मान सबसे अधिक
होता है, ठीक है। फिर से आपको ध्यान रखना इस चीज को, क्यों? क्योंकि हवाएं निर्वात की जो विद्युतीयता है वो सबसे कम होती है, ठीक है। चलिए इतना सा ध्यान समझ में आ गया, आइए आगे देखते हैं उदाहरण और इसको। अब आते हैं अपन अपने पर्यावरण पर, देखिए होता क्या है इसको समझेंगे। आप इनको नोट करते जाइए साथ ही साथ ताकि आपको समझ में आता रहे। देखिए मान लीजिए दो आवेश हैं, दोनों सर्वप्रथम कारक हैं हवा में, तो हवा में हवा या निर्वात में कहीं भी मान लो हवा या निर्वात में आवेशों के मध्य बल, आवेशों में बल, उसको लिख दिया मैंने एफ नोट से, और वो क्या होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा के की वैल्यू क्या लिखेंगे, के की वैल्यू लिखेंगे अपन या हवा निर्वात के लिए क्या लिखेंगे, वन अपॉन फोर पाई। अब एप्सिलॉन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, क्यों, किसकी बात हो रही है हवा या निर्वात की। अगर माध्यम की बात हो रही है सिर्फ एप्सिलॉन लिखते जा रहे हैं इसको, तो यहाँ पर एफ नोट इसका मान रख दो यहाँ पर, तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर एक। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर वन, ये हवा निर्वात में, अब ये माध्यम है। अब अगर मान लो वही दोनों आवेश कहाँ रखे हो, माध्यम में रखे हो, माध्यम क्या पानी तेल कहीं भी मान लो, माध्यम में आवेशों में बल, अब यहां देख लेते हैं तो वो कितना आएगा, देखो एफ एम इक्वल टू, अब यहां पर माध्यम की जगह फोर पाई तो ऐसा कैसा, लेकिन एप्सिलॉन आ जाएगा और क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर टू, क्या करो इक्वेशन वन को टू से डिवाइड करो, वन डिवाइड बाई टू, तो करेंगे तो देखो क्या आएगा एफ नोट अपॉन एफ एम तो आ ही गया इधर, अब इधर वाली क्वांटिटी डिवाइड करते हैं तो क्या है ये रही 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और यहां देखेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो f नॉट अपॉन fm क्या आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और which is equal to एप्सिलॉन r, या इसको के भी लिखते हैं कुछ बुक्स में, के लिखते हैं कुछ में एप्सिलॉन आर लिखते हैं, तो ध्यान रखिए दोनों में लिख दिया, आप किसको भी यूज कर सकते हो। अब समझिए इससे बोलते हैं परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक क्या हो गया, देखो पहला तो डेफिनेशन क्या बन गई, परावैद्युतांक क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है, पहले डेफिनेशन, यानी कि परावैद्युतांक क्या हो गया, परावैद्युतांक की डेफिनेशन देखिए, माध्यम की विद्युतशीलता व हवा या निर्वात कुछ भी ले सकते हैं यहां पर, ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। पहली परिभाषा तो ये हो गई, दूसरी क्या हो जाएगी देखो यहां पर, हवा या निर्वात में बल दो आवेश, सुन लीजिए परावैद्युतांक की दूसरी परिभाषा, फोर्स के रूप में देख लीजिए, बल के रूप में देख लीजिए, किन्हीं दो आवेशों के मध्य हवा या निर्वात में बल व माध्य में बल के अनुपात को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं, समझ गए यहां से, इसके अनुसार ये भी समझ लीजिए आप, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन है, कोई सी भी आप एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका परावैद्युतांक, ओके स्टूडेंट आगे आइए, आप नोट करते जाओ साथ साथ इनको, ये फॉर्मूला ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये इस पे क्वेश्चन बनता है, अभी अपन भी करेंगे एक। तो देखिए अब यहां पर थोड़ा परावैद्युतांक का मान देख लेते हैं, एप्सिलॉन आर या के का जो मान होता है वन, वो होता है किसके लिए, निर्वात के लिए फिक्स है, इसका मान वन होता है, ठीक है, ये पहला है। दूसरा
एप्सिलॉन आर या के का मान जो हवा के लिए होता है 1.0054, किसके लिए? हवा के लिए, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली यूज करते हैं 1 ही धारणा हवा के लिए, ये होता है, लेकिन के अपन 1 ही यूज करते हैं। थर्ड, एप्सिलॉन आर या के का मान जो होता है 80, किसके लिए? पानी के लिए, शुद्ध पानी के लिए इसका काम लेते हैं। तो आप ये तीनों नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काम में बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में जाके, ठीक है। आगे चले तो देखिए अगला आता है, बहु आवेशों के मध्य बल, अगला टॉपिक जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, उस पर क्वेश्चन आता है, थ्योरी का ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए पहले इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर चलते हैं उस पर। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो आवेशों के मध्य हवा में बल बल एफ है, या एफ नोट मान लीजिए, इसको एफ नोट लेते हैं, हवा में एफ नोट पड़ा तो अपने एफ नोट ले सकते हैं। तो पानी में बल बताइए, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, समझिए आपको यहां से कुछ समझ में आएगा कि पानी में बल घटेगा बढ़ेगा ये हम देखेंगे यहां से। तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या होगा, देखो हवा में बल और माध्यम में बल पूछा है, पानी में बल पूछा है। अब देखिए स्टूडेंट समझना क्या है यहां पर, जो पानी होता है पानी में के का मान कितना होता है, पानी क्या के का मान हमने पढ़ा 80। अब देखिए तो फॉर्मूला क्या हो गया, हवा और माध्यम का ये लीजिए, और ये क्या था के इक्वल था ना, के या एप्सिलॉन कुछ भी लो तो हमने के ले लिया, क्या फर्क पड़ता है। अब हमें पूछा क्या है, इसमें बल पूछा है पानी में बल, पानी क्या हो गया एक माध्यम हो गया, तो यहां पर क्या लिखेंगे, एफएम इक्वल टू एफ नोट अपॉन के, तो एफएम इक्वल टू एफएम का मान, एफ नोट का मान कितना है, कोई वैल्यू नहीं, एफ नोट ही है समय बोल रखा है, लेकिन के का मान कितना 80। तो देखो माध्यम में जो बल है ना वो हवा में बल का कितना टाइम कम है, 1/80 टाइम, ध्यान रखिए, मतलब कितना गुणा कम हो गया फोर्स, 80 टाइम कम हो गया स्टूडेंट फोर्स, किसमें, पानी में, किससे, हवा से, आपको जानना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं बहु आवेशों के मध्य बल, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए इसको समझने के लिए देखिए क्या समझते हैं, टॉपिक का नाम क्या है, बहु आवेशों के मध्य बल, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिए, बहुल आवेशों के मध्य बल, और ये जो बल निकालते हैं ना वो निकालते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से, किस सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत, इससे बल की गणना करते हैं, इस सिद्धांत से, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मोस्टली कि अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए, ध्यान रखिए। अब समझते हैं इसको, मान लीजिए एक आवेश है क्यू नोड, ये हमने क्यू नोड ले लिया, यहां पर ये क्यू नोड आवेश है, और यहां पर है Q1 Q2 और Q3, ये तीन आवेश लिए। अब इस क्यू नोड पर Q1 Q2 और Q3 दोनों तीनों बल लगाएंगे। देखिए दर्पण का सिद्धांत क्या है, बहुल आवेशों के मध्य बल क्या निकालता है, समझते हैं, बहुल आवेशों के कारण बल के मध्य बल। देखिए मान लीजिए क्यू नोड है, इस क्यू नोड पर इसके कारण बल निकालेंगे, या इस क्यू नोड पे देखिए तो ये तीनों आवेश क्या होंगे, बल लगाएंगे। देखिए सबसे पहले Q1 का देख लेते हैं, तो जो Q1 क्यू नोड पे बल लगाएगा उसका नाम हम जानते हैं, क्या नाम से लिखेंगे, F01 वेक्टर, क्यों, जिस पे बल लगता है
उसको पहले लिखते हैं जो वन लगा था, उसको बाद में लिखते हैं, तो क्यू नोड नोड पे पहले, तो नोड पहले और वन लगा था वन पे। अच्छा डायरेक्शन क्या है, इस तरह की। अब किसी भी बल की दिशा कौन दिखाता है, उसका एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होगा इसका, इस एफ जीरो वन का, देखो वन से जीरो क्यों लग रहा है, तो वन जीरो एकांक सदिश, इसलिए डायरेक्शन क्या, ये लीजिए डायरेक्शन। लेकिन स्टूडेंट्स Q1 और Q नोड का विस्थापन सदिश क्या है, तो देखिए वो क्या होगा, R1 नोड वेक्टर सदिश ले लीजिए। इसी प्रकार Q2 Q नोड पे बल लगाएगा तो ये लीजिए, और वो बल क्या हो गया, F02 वेक्टर। दिशा क्या, ये, और कौन दिखाएगा, एकांक सदिश क्या, R20 वेक्टर। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को। नेक्स्ट अगला आइए Q3। Q3 इस पर जो बल लगाएगा वो बल लगाएगा ये, और क्या हो जाएगा फोर्स का नाम, F03 वेक्टर। डायरेक्शन ये, क्या नाम, एकांक सदिश कौन सा, 03। अच्छा इसका विस्थापन सदिश क्या होगा, R20 वेक्टर। इसका क्या होगा, R30 वेक्टर। ठीक है, इस तरह से ये हमारे हो गए विस्थापन सदिश और बल और बलों की दिशाएं। अब देखिए स्वर्ण आधारण का सिद्धांत क्या कहता है, इसको समझते हैं। तो देखिए किसी आवेश पर बल का मान अन्य आवेश द्वारा लगाए गए बल के किसी आवेश पर बल का मान अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग के बराबर होता है। किसी आवेश पर बल का मान अन्य आवेश द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग के बराबर होता है। देखिए इसे समझते हैं, किसी आवेश पर बल यानी क्यू नोड पर बल, जो क्या होता है, अन्य आवेशों क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री द्वारा लगाए गए जो बल है एफ नोड एफ जीरो टू एफ जीरो थ्री, उनके सदिश योग के बराबर होता है। तो देखिए सदिश योग का बल मतलब कैसे, तो किसी मान लीजिए Q नोड पर बल लग रहा है कितना, F1 वेक्टर, और कितना होगा वो F01 वेक्टर का वेक्टर सम, F02 का वेक्टर सम प्लस F03 का वेक्टर सम। अगर मान लो और बहुत सारे चार्ज होते हैं ग्रेडेड एस Q0n वेक्टर रहता हो, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। अब देखिए यहां पे हम देखते सबको, सबसे पहले F01 का मान क्या होगा, देखो कौन लगा रहा है F Q1 किस पर, Q नोट पर, तो फॉर्मूला क्या हो गया K Q नोट Q1, डायरेक्शन सॉरी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये रहा, तो R01 वेक्टर का मोड ले लो, डिस्टेंस आ गई, मैग्नीट्यूड आ गया, मतलब वैल्यू की बात हो गई यहां पर, का स्क्वायर तो हो गया होगा, पर डायरेक्शन क्या है, R01 के, ये लीजिए। दूसरा F02 आप खुद समझिए इसको कैसे, K Q नोट Q2 अपॉन R20 वेक्टर का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 वेक्टर का कैप। सिमिलरली F03 वेक्टर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, K Q नोड Q3 और ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब की वैल्यू यहां पुट करेंगे और Q जीरो एन का मान अपन अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो K Q Q नोड Q1 अपॉन R1 वेक्टर का स्क्वायर और R1 के, ये पहला, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू वो रही सेकंड वाला, K Q नोड Q2 अपॉन R2 वेक्टर का स्क्वायर और R2 के, ये लीजिए, प्लस के क्यू नोड क्यू थ्री अपॉन आर थ्री जीरो केप नहीं सॉरी वेक्टर आएगा और इसका मोड का स्क्वायर,
और ये की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आर थ्री जीरो के। इसको मैं रख कर रहा हूँ दर्शक, ठीक है आप नोट कर लीजिए। तो ये हो गया प्लस, आगे क्या आ जाएगा, के क्यू नोड क्यू एन, एन में के लिए मान लो एन चार्ज भी है तो क्या होगा, सॉरी प्लस डेटा डिस्क प्लस के क्यू नोड क्यू एन अपॉन आर एन जीरो वेक्टर का स्क्वायर, ये मोड है यहाँ पर और आर एन का के, ये और लाभ का फोर्स आ गया। ठीक है इसको और आगे सॉल्व करोगे तो क्या कर लो आप, ये ले लो के क्यू नोड कॉमन ले लो यहां से, तो क्या बच गया क्यू वन अपॉन आर वन नोड का वेक्टर का स्क्वायर आर वन का के प्लस यहां बचेगा क्यू टू अपॉन आर टू नोड वेक्टर का स्क्वायर और आर टू जीरो का के प्लस इधर देखेंगे तो क्यू थ्री आर थ्री जीरो वेक्टर का मोड का स्क्वायर और आर थ्री जीरो का के प्लस ये आ जाएगा क्यू एन अपॉन आर एन जीरो वेक्टर का स्क्वायर आर एन के, ये आएंगे आपके। ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट, ये आपका फोर्स का फॉर्मूला आ गया। इसको और आगे चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हैं, देखिए कैसे समझ लेते हैं इसको। इसको मैं रब कर रहा हूं आप नोट कर लेना। देखिए इसको सॉल्व करेंगे आगे तो एफ वेक्टर तो देखिए के क्यू नोड तो बाहर रही, देखिए सब में प्लस है तो समेशन लगा दिया और मान लीजिए वन से लेकर एन तक चल रहा है क्योंकि देखो एन चार्ज है, वन से स्टार्ट हो रहा है एन तक चार्ज है, तो क्या करेंगे क्यू आई अपॉन नीचे क्या है आर आई जीरो वेक्टर का स्क्वायर और आर आई कैप जीरो का के, तो ये आपका फोर्स का फॉर्मूला बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है तो मतलब जब बहुत सारे चार्ज होते हैं तो उनके द्वारा, उन सब चार्जों के द्वारा किसी एक चार्ज पर कितना फोर्स निकालना है वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आपको अगर ये समझ नहीं आए तो आप यहाँ नीचे तक ध्यान लीजिए, इतना रह लीजिए, ये भी मोर देन सफिशियंट है। ठीक है चलिए स्टूडेंट, आइए आगे देखते हैं।